आपने आधार कार्ड बनाने के नाम पर पैसे लेने की कहानी सुनी होगी, लेकिन आधार कार्ड बनाने के नाम पर लाइव हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पैसे की वसूली की जाती है। दरअसल ये तस्वीर गोड्डा के पथरगामा प्रखंड की है और पथरगामा मध्य विद्यालय की ये तस्वीर है। पथरगामा का बालक मध्य विद्यालय के अंदर वहाँ पर आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था। आधार कार्ड बनाने के दौरान वहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो पैसे लेते दिखाई दिए। हालांकि पैसे लेने की बात में कितनी सत्यता है वो आपको इनके बयान में पता चल जाएगा, जब भोले भाले बनकर ये ऑपरेटर साहब कहेंगे कि हमने पैसा लिया था लेकिन वापस कर दिया। सवाल ये होता है कि आखिर पैसा लिया ही क्यों गया था। हालांकि पैसे लेने की बात पर जब हमने ऑपरेटर से पूछा है तो जहां एक ऑपरेटर कहते हैं कि उन्होंने पैसा लिया था वापस कर दिया, तो वहीं दूसरे ऑपरेटर कहते हैं कि उन्होंने पैसा लिया ही नहीं। लाइए पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं, फिर आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे। अभी कितना वापस किया उसको? हाँ, कितना रुपया लिए थे? नाम क्या हुआ आपका? आप यहाँ कार्ड बनाते आधार कार्ड, तो पैसा लगता है आधार कार्ड बनाने में? नहीं सर, सब अलग लगता है, कोई जैसे कि अलग लगता है। जिस आदमी का रसीद अभी आप दिखा रहे थे उसमें 0 रुपया लिखा था, आप 100 रुपया लिए हैं, कैसे? लौटा दिए। लिए क्यों थे? नहीं, वो लड़का आरोप लगा रहा है कि हमसे लिया है। पैसा नहीं लिया, जीरो बैलेंस में पता है। आपका कर्मचारी बोल रहा है पैसा वापस किए हैं, आप बोलते नहीं लिए हैं, ये कर दिया है उसको। क्यों लिए क्यों? जबरदस्ती लीजिएगा पैसा गरीब आदमी से? आपको सरकार सैलरी नहीं देती है? कितना लिया आप लोगों? सरकार सैलरी देती है कि नहीं? उसका रसीद कटा था, लिया है भाई साहब से। तो आपके सर लौटा क्यों दिए? ये तो बोल रहे आपके स्टाफ, इनका अपना 0 पैसा का रसीद कटा है, उसे पैसा लिए थे? 0? हाँ पैसा लिए थे। लीजिए, अब एक ऑपरेटर साहब ने तो सारा किया धरा ही खत्म कर दिया। इन्होंने कैमरे पर जो कह दिया कि हाँ हमने पैसा वापस लिया है, हालांकि आप देखिए कि दूसरे ऑपरेटर साहब लगातार इस चीज की दबिश बना रहे हैं कि यहाँ पैसा लिया नहीं जाता है, और अपने ही ऑपरेटर से पूछते हैं कि क्या हमने पैसा लिया है। इधर स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पैसे का खेल यहाँ से लेकर इनके ब्लॉक में बैठे बाबुओं तक भी पहुँचता है, इस वजह से शायद ये खुलेआम इस तरीके से पैसे की वसूली करते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि यहाँ स्थानीय मुखिया ने दबिश बनाई है और लगातार इनसे मना कर रहे थे कि पैसा आप ना लें, बावजूद इसके इन्होंने पैसे लेने का काम किया है। हालांकि मुखिया जी के डर से इन्होंने पैसा वापस जरूर कर दिया, उससे पहले पैसा लेने की ये तस्वीरें देखिए। तो ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था भैया, हुआ नहीं सर। हम पूरा बोल दिए हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होगा किसी कीमत पर, और स्कूल में तो एकदम नहीं होगा, गलती नहीं होगा। जहाँ से शुरुआत होगा वहीं से भ्रष्टाचार होगा, क्या होगा? गलती नहीं होगा, ले लिया है, गलती किया है। लीजिए, अब वो ऑपरेटर साहब जो कह रहे थे कि पैसा लिया ही नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ गलती हो गई है लेकिन अगली दफा से ध्यान रखा जाएगा। सवाल ये होता है कि ऐसे आश्वासन कब तक दिए जाएंगे, क्योंकि जब भोली भाली जनता वहाँ पहुँचती है तो उनसे ऐसे ही पैसे ऐठे जाते हैं। क्या हुआ मुखिया जी, क्या है? हम यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ आके पहले भी सर लोग को बोल चुके हैं, सर गरीब आदमी से पैसा मत लीजिए, या जितना आपका बनता है, जितना रसीद में निकलता है उतना ही लीजिए, लेकिन किसी से 200, किसी से 300, जैसा जो आदमी मिलता है उसे इस लोग पैसा वसूली कर रहा है। हम पहले भी समझाए थे कि वसूली मत कीजिए, ये अच्छा बात नहीं है, स्कूल का शिक्षा का मंदिर में ऐसा काम मत कीजिए। लेकिन आज भी लिए। हम अपना आदमी भेजे थे इनको पता करने के लिए कि कितना पैसा ले रहे, लेकिन बोले कि 0, 1 रुपया भी नहीं लगा इसमें, और इसमें 100 रुपया ही लिए हैं। क्या नाम है आपका? योगेश पंडित का बेटी का बना हुआ है, बेटा का, और 100 रुपया ही लिए हैं। आपका क्या नाम हुआ? योगेश पंडित। कितना पैसा लगा आपको? 100 रुपया। और रसीद 0 का मिला जी? आप बोले नहीं कि क्यों बोले सर? के पैसा बोला नहीं, 100 रुपया कटता है हम लोग के अकाउंट से, पैसा कटता है 100 रुपया लगेगा। अभी तो बोला कि वापस कर दिए पैसा। पैसा वापस कर दिया, सबसे बात कराएंगे, मुखिया जी से बात कराएं, तब वापस कर दिए पैसा। नहीं तो लेता है? नहीं तो ले लेते। मुखिया जी बोलेगा जाइए वहाँ, फिल्म बन जाएगा, यहाँ आए तो हम लोग सर मजदूर आदमी है, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? क्या सुधार करवाना था? नहीं, फोटो चेंज करवाना था, फोटो चेंज बेटा का। ठीक।